एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बात करूंगी सीट मार्क्स के बारे में। मैं सीट मार्क्स अपनी स्किन पे पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं गार्नियर का 2 सीट मार्क्स खरीदी हूँ। ये एक है चारकोल सीट मार्क्स, एक है ग्रीन टी सीट मार्क्स एंड या ये दोनों ही मुझे मेरे स्किन के सूटेबल लगा, क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन एंड थोड़ी ऑयली है, तो सेंसिटिव स्किन है, तो ये सेंसिटिव एंड एक्ने स्किन के लिए ही है। तो पहले मैं चारकोल सीट मार्क्स के बारे में बात कर लेती हूँ। चारकोल सीट मार्क्स ब्लैक सीरम मार्क्स प्योर चारकोल पोर्स टाइटनिंग हाइड्रेशन एंड ये आपके स्किन को काफ़ी हाइड्रेट बनाता है एंड ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। ऑफकोर्स सेंसिटिव स्किन के लिए चारकोल मार्क्स मैं इसलिए ले ली क्योंकि चारकोल हमारे स्किन को काफ़ी क्लीन कर देती है एंड जितने भी ऑयलीनेस होती है उसको ये कंट्रोल करती है। तो ये मैं ये इसलिए ये ली एंड मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अब मैं इसे यूज़ नहीं की हूँ तो या आप लोग को इसको लगा के डेमो भी दिखाऊंगी कि सच में ग्लो करती है स्किन या नहीं एंड हाइड्रेशन रहती है या नहीं। तो या इस पर एंड मैं इसको ख़रीदी 99 रुपीज़ में। मैं इसे purple.com से ली, पर्पल ऐप से। आप कोई भी ऐप पे ले सकते हो, कोई भी ऐप पे मिल जाएगा एंड इस पर अप्लाई करने का दिया गया है। अप्लाई पहले आपको आपके स्किन को क्लीन करना होता है, फिर आप अपनी स्किन को टोनिंग कर ले, टोनर लगा लें कोई भी एंड फिर आप इसको यूज़ करें। एंड इसको यूज़ करने के लिए आप एक यूज़ करो तो आपको इसकी इफ़ेक्ट 1 वीक तक रहेगी। आपको 1 वीक तक इसकी हाइड्रेशन एंड ग्लोइंग रहेगी आपके स्किन पे। ये इसमें दिया गया है ये आपके स्किन के 10 लेयर तक एब्जॉर्ब होता है इसका सीरम एंड ये काफ़ी ग्लोइंग रखती है। तो आप अगर एक दिन लगा लो तो आपको इसकी 1 वीक तक इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी एंड 1 वीक तक। अगर आप आई डोंट नो, मैं लगा के देखूंगी सच में ग्लोइंग रहती है या नहीं। तो यहाँ ये रही चारकोल सीट मार्क्स के बारे में। अब मैं बात कर लेती हूँ गार्नियर का ग्रीन टी हाइड्रा बॉम सीट मार्क्स के बारे में। ये भी सेम दाम में है ली एंड 15 to 20 मिनट तक आपको रखना होता है एंड ग्रीन टी एक्ने स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है एंड ऑफकोर्स फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। तो मैं इसको, मुझे ग्रीन टी प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ही पसंद है। मैं ग्रीन टी की टोनर भी यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है एंड एक्ने स्किन के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए मैं ग्रीन टी वाला एक ले ली। तो या देखते हैं एंड मैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करने जा रही हूँ। तो नाइट टाइम में अच्छी होती है, हमारे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होगी एंड इसको लगा के अप्लाई करके वॉश नहीं करना होता है, आप इसको वॉश नहीं कर सकते हैं। तो या लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, मैंने अपना फेस को वॉश कर ली एंड फिर मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर यूज़ करना होता है तो मैं ये गुलाबरी का रोज टोनर ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी टोनर यूज़ कर सकते हो। गाइस, जब आप टोनर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने स्किन पे इसको 2 मिनट तक एब्जॉर्ब होने दें एंड फिर आप मास्क अप्लाई करें। तो गाइस, अब मैं मास्क यूज़ करूँगी। ये मैं ग्रीन टी वाला पहले लगाऊंगी बिकॉज आई लव ग्रीन टी प्रोडक्ट्स। मेरे स्किन एक्ने प्रोन है तो इसलिए मुझे लगा पहले ये यूज़ करना अच्छा रहेगा। तो मैं अपना हेयर को पहले पीछे कर लेती हूँ एंड फिर इसे अप्लाई करूँगी। एंड गाइस, मैंने इसको यूज़ करने से पहले फ्रिज में स्टोर की हुई थी तो ये बहुत ही ठंडा हो गया है। तो यहाँ पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ एंड ये कुछ इस तरह से फोल्ड किया हुआ रहता है पैकेट में। गाइस, ये पूरा भीगा हुआ है एंड इसमें काफ़ी सारा सीरम है एंड मुझे खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे लगा कहीं फट ना जाए ऐसा कुछ। ओप्स,
तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना सारा सीरम है एंड पूरा हैंड भीगा हुआ है मेरा। तो आप इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। काफ़ी फनी लग रही हूँ मैं। गाइस जब मैं इसे लगा रही थी तो मेरी स्किन बहुत ही हाइड्रेट लग रही थी, बहुत ही ठंडा सा फील हो रही थी। तो या आप इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से लगा लें। एंड गाइस आपको इसको 20 मिनट तक रखना होगा एंड फिर आप इसको हटा सकते हो। एंड गाइस इसके पैकेट में जो सीरम बचा हुआ होता है आपको इसको फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। इसको निकाल के आप अपने नेक एंड हैंड्स पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ठंडा है एंड बहुत सारा सीरम है इसमें। गाइस मेरी स्किन बहुत ही हाइड्रेट लग रही है। तो अब मेरे 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए एंड आप लोग देख सकते हो ये ड्राई हो गई है। एंड अब मैं इसको हटा के दिखाऊँगी। वाओ काफ़ी हाइड्रेट लग रही है मेरी स्किन एंड या ग्लोइंग तो कर रही है। काफ़ी सारा सीरम है मेरे स्किन पे। एंड गाइस जब आप इसको हटा लो तो इसको 2 मिनट तक अच्छे से आप अपने स्किन पे हल्के हाथों से मसाज कर लें ताकि जितने भी आपके स्किन पे सीरम लगे हुए हैं वो अच्छे से आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड प्लम्पी लग रही है। और हाइड्रेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लग रही है मेरी स्किन एंड ग्लोइंग कर रही है या ग्लो तो दे रही है। या आई लव दिस प्रोडक्ट। आप इसको फेंके नहीं, आप अपने नेक एंड हैंड्स पे इसको यूज़ कर लें क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारा सीरम है एंड ये पेपर बहुत ही भीगा हुआ था, इसमें अभी तक सीरम था। तो मैं इसको फेंकी नहीं, वेस्ट नहीं करना है गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। आई फील हाइड्रेट एंड प्लम्पी स्किन। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।